नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन के द्वारा सेफ्टी के लिए यूज किए जाने वाले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीज के बारे में जानेंगे। तो अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रीशियन के पीपीज के बारे में। सबसे पहला पीपीज है सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट का उपयोग इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किसी नट बोल्ट या किसी आइटम के गिरने से हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तथा ओवरहेड लाइन में काम करते वक्त यह लाइव लाइन या कंडक्टर को डायरेक्ट सर के संपर्क में आने से बचाता है। इसी तरह से हैंड ग्लव्स दूसरा पीपीज है। हैंड ग्लव्स का उपयोग किसी लाइव लाइन या लाइव लाइन के पास काम करते वक्त किया जाता है। इसके उपयोग से इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है, तथा इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सब स्टेशन, स्विच गियर और ट्रांसफार्मर आदि में काम करते वक्त किया जाता है। हमारा तीसरा पीपीज है सेफ्टी सूज। सेफ्टी सूज का उपयोग इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल हजार्ड से बचाता है। इसका सोल 15 से 18 केवी के बीच 1 मिनट के लिए टेस्टेड होता है। ये भी स्पेशल सूज होता है, नॉर्मल सूज से ये डिफरेंट होता है। सेफ्टी जैकेट। सेफ्टी जैकेट का उपयोग विजिबिलिटी बढ़ाने और फायर रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इस तरह के सेफ्टी जैकेट का उपयोग इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किया जाता है। सेफ्टी बेल्ट और फुल बॉडी हार्नेस। सेफ्टी बेल्ट और फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग हाइट में काम करते वक्त किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे सेफ्टी बेल्ट को स्क्रीन में, यह इलेक्ट्रीशियन को फॉलिंग प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसके उपयोग से हाइट से गिरकर होने वाली इंजरीज से बचाता है, तथा हाइट पर काम करते वक्त एक सपोर्ट प्रदान करता है। सेफ्टी गोगल्स। सेफ्टी गोगल्स का उपयोग इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किया जाता है। जहाँ पे स्पार्क लाइटिंग और डस्ट होता है, वहाँ पे ये स्पार्क लाइटिंग और डस्ट इत्यादि से आँखों को प्रोटेक्ट करता है। हेडलाइन डिटेक्टर। हेडलाइन डिटेक्टर का इलेक्ट्रीशियन के द्वारा उपयोग किया जाता है लाइन पर काम करते वक्त। हेडलाइन डिटेक्टर का उपयोग वोल्टेज की प्रेजेंस को बताता है। इसके उपयोग से इलेक्ट्रीशियन को पता करने में आसानी होती है कि जहाँ पर वह काम कर रहा है वहाँ पर कोई सप्लाई तो नहीं है। यह पास के किसी दूसरी लाइन होने पर उसके चालू या बंद होने का आभास कराता है, जैसे अगर उसकी रेंज पे कोई लाइन दूसरी लाइन है और उसमें अगर कोई सप्लाई है तो उसको भी वो डिटेक्ट करके बताता है। और तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा और किस तरह लगा ये वीडियो आपको, कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।